हम पहुंच चुके हैं श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, और ये पहले माता के सामने बैठ के माता के दर्शन करके उनके अंदर अपना एक अलग रूप लेता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और बारिश अभी भी नहीं रुकी। फटाफट तैयार होते हैं और करते हैं निकलने की तैयारी। समय हो रहा है 9 और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था। कार्तिक बहुत पहले ही रेडी हो गया था और मैंने सारी चीज़ें देख ली, चेक कर लिया, कुछ भी नहीं छूटी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो देखो ऊपर त्रिकोण वगैरह दिखाई देने शुरू हो गया, बट निकलते हैं फटाफट इससे पहले बारिश फिर से शुरू हो जाए। हड्डी में भारी बारिश से बचाने का वो अजीब हो चुका है और आज की जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं एक बार जयकारा लगाते हुए। अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हे प्रभु, हे हमारे मालिक, हे हमारे अन्नदाता, हम पे रहम करना, हमें इस सावन के प्रकोप से सही सलामत घर वापस भेजना। सीन दिखाता हूँ, ये आगे रोड देखो कितनी माशाल्लाह सुहाना है। ओहो हो भाई, तू तो खड्डे की बात कर रहा था। खड्डा चला गया बीच में, वही था ना? वही था जिसके बारे में तू तो बात कर रहा था। जी जी जी। कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं वहाँ पे? गिरियाँ नहीं है लेकिन गाड़ी बहुत नीचे लग जाती है, खड्डे गए तो टायर चला गया। नहीं तो भाई का आरसी होटल, आरसी रेजिडेंसी भाई का है बक्सुनाग में। होटल बहुत अच्छा होटल है, खाना बहुत अच्छा है, जैसा बोलोगे भाई वैसा बनवा के दे देगा। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, प्लस भाई को काफी अरसा हो चुका है बक्सुनाग में। तो भाई खुशियाँ दिखाई दी मेरे को, ये तुक्का था और अगर तुक्के तुक्के में उधर गिर जाते तो रेस्क्यू मिशन। जय महाकाल। दिस इज द दलाई लामा टेंपल। वो दलाई लामा जी आए हुए हैं यहाँ पे? वो यही है और वैसे बंद है, आज बंद है। आने वाली है ये, तो रात से ही जा रहे हैं। वो देख, वो भी जाने वाली है। वो तेरी आराम से ऊपर ऊपर इसी रास्ते पे लेने पड़ेगी। जाने वाली है, जाने वाली। जोरे गई, बैठ गई पूरी। ये देख पूरी दरार आई हुई है बीच में, वहां तक का जोल्ट है, यहां तक का जोल्ट देख। अगर आप लोगों को पता होगा तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाता था तब मैं मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर मैं शिवलिंग के पर जल चढ़ाने जाता था। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो मंदिर है वो है माँ काली का, ठीक है? तो मैंने माँ काली के अक्सर सामने माथा टेक के ये बोला है कि हे माँ, अपने बच्चे को हमेशा सही मार्ग दिखाना, और उसका फल नतीजा ये है कि आज माँ ने मुझे अपने पास बुलाया है कार्तिक को जरिया बना के। वो कैसे, कल कार्तिक का फ़ोन आया था हमारे पास कि जीजू आप आ जाओ बक्सुनाग ऊपर और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आज जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सबसे पहले शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए, वो है माँ चामुंडा का मंदिर। माँ चामुंडा की अगर कहानी मैं बताऊँ, माँ चामुंडा जो है वो एक काली माँ का रूप है और उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था,
क्योंकि इन दोनों असुरों ने देवताओं को बहुत तंग कर रखा था, और जब देव तंग हो गए इनसे तो वो गए थे ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास। तब माँ भगवती ने युद्ध किया था इनके साथ और माँ काली ने इनका वध किया था। तो तब से माँ का जो नाम है वो चामुंडा पड़ा। आई थिंक 90s में कुछ पल आर्मी लाइफ के यहाँ बिताए हुए हैं। तो पापा तो जैक राइफल में नहीं थे? हाँ, लेकिन पोस्टिंग आई थी। अच्छा, जैक राइफल वाज पोस्टेड ओवर हियर, जहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी। कम से कम ज्यादा नहीं तो 6-7 महीने डेड रहे। हम पहुंच चुके हैं श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, और ये पहली शक्तिपीठ है जहाँ से हम अपनी शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए हम लोग जो निकले हुए हैं। और कथा अनुसार ये मान्यता है कि यहाँ के लोगों ने जब माँ की पूजा करी तो माँ ने ही गाइड किया था राजा के सपने के अंदर आके कि माँ कहाँ पर विराजित हैं और कहाँ पे खोद के माँ की प्रतिमा को बाहर निकाला जाए। तो माँ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे स्थित है, जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। प्लस हम यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। माँ को भेंट करने के लिए हमने यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो भी चढ़ता है चढ़ावे में, जिसके अंदर मेरे ख्याल से एक माला है, माँ का नारियल है, माँ को चढ़ने के लिए चूड़ियाँ हैं, धूप है, बत्ती है, तो यह हमें बाहर से ही मिल गई थी। यहाँ पे हम बैठ के मेडिटेट भी करेंगे। ये रे माँ के पिंडी रूप के स्वरूप। मंदिर परिसर के अंदर वीडियो खींचना माता की वर्जित था, इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। ये बैठे हैं हमारे वीर बजरंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये स्थल है, यहाँ पे बैठ के अभी हम थोड़ी देर मेडिटेट करने वाले हैं। कार्तिक दोनों मंदिर के बिल्कुल सामने, माता रानी के सामने बैठे हुए हैं। और अब हमने जो करना है, आंखें बंद करनी है, माता की एनर्जीज को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी श्वास को बेली ब्रीथिंग करनी है पहले, तो ठीक है, बेली ब्रीथिंग करनी है। साथ में हमने अपनी सांस जो है 10 मिनट के लिए उसको गार्डिंग करनी है कि कब हमारी सांस अंदर जा रही है, कब हमारी बाहर जा रही है, ठीक है। अगर बीच में अगर आपको कुछ भी अगर डिस्ट्रैक्शन होती है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने स्माइल रखनी है, ठीक है, एक्नॉलेज करनी है डिस्ट्रैक्शन को और वापस आपने कंसंट्रेट करना बस, ठीक है। तो ये हम 15 मिनट्स फॉलो करने वाले हैं और बाद में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने क्या फील किया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। माता के सामने बैठ के माता के दर्शन करके, और ये लोकल्स हैं मेरे ख्याल से यहाँ के जो माता से पूरी परमिशन लेते हैं, सारा काम करते हैं और माता को बहुत मानते हैं। इतने खुले दर्शन हुए हैं माँ के, इतने खुले दर्शन हुए हैं कि कुछ मतलब वो जो एनर्जीज हैं, वो जो पावर्स हैं माँ की, वो फील करके मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ पॉजिटिव एंड
हाउ एनर्जेटिक आई एम फीलिंग। तो ये पार्किंग के अंदर थी, पार्किंग के भैया ने हमसे लिए 30 रुपये, 100 रुपये थी हमारी प्रसाद की थाली। हम लोग ना बड़े अंदर अंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं, एक्चुअली लैंडस्लाइड हो गई है रास्ते में। और डिस्क्लेमर है ये कि भैया अगर मॉनसून में अगर आप हिमाचल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हिमाचल इज नाउ इक्विवेलेंट टू उत्तराखंड। तो अगर आप हिमाचल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ भी कभी भी हो सकता है इन मॉनसून, ठीक है। हिमालयाज मॉनसून के अंदर अपना एक अलग रूप लेता है, विंटर्स में एक अलग रूप लेता है और समर्स में एक अलग रूप लेता है। तो हमारे हिमालयाज के अंदर हर सीज़न के एक नया रूप होता है, उसको एक्सपीरियंस करना हर एक के बस की बात नहीं है। और अगर फंस जाओ तो घबराहट के मारे कई लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत तबाहियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। मैं कल गया कार्तिक को लेने के लिए, मेरे को अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास था, भाई वेट कर रहा था हमारी। वाह यार, थैंक यू ब्रो। यार ये बंदा है बहुत सही बंदा है यार, इस बंदे ने देख लिया, कह रहा कि यार ये बंदा बाहर का है और इसको रास्ता दिखाना है। तो ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू कांगड़ा एंड मिलेंगे इसको, थैंक यू बोल के चलेंगे। दूसरा भाई, मैं पूरे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ तैयार होकर आया था कि कुछ भी हो जाए मेरे को कार्तिक को रेस्क्यू करना ही करना है। तो कैसा लगा सर रेस्क्यू हो गए? हाउ वाज योर मिशन? बहुत धन्यवाद, आई एम फीलिंग टेंस्ड फ्री नाउ।